हाथरस में मची भगदड़ की चर्चा देश नहीं विदेशों में भी हो रही है। इस भगदड़ के चलते 121 लोगों की मौत हो गई और हैरानी इस बात की है कि इस हादसे में मरने वालों में 90% तक महिलाएं। ऐसे में यूपी सरकार के निर्देश पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा सत्संग करके वापस जा रहे थे। इस पूरे हादसे में पुलिस ने FIR में बाबा के सेवादार को मुख्य आरोपी बनाया है, साथ ही पुलिस आरोपियों को जल्द से पकड़ने की कोशिशों में लगी। ऐसे में जांच के दौरान सामने आया है कि हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को करीब 20 बार फोन किया गया। खबरें हैं कि मुख्य आयोजक सहित उसके 5 सहयोगियों ने भोले बाबा उर्फ सूरज पाल को हादसे की पूरी जानकारी दी थी, लेकिन बाबा इसके बावजूद अंडरग्राउंड हो गए। जानकारी के मुताबिक बाबा को 20 कॉल्स के जरिए उसके सहयोगियों ने पल पल की अपडेट दी और कहा यह भी जा रहा है कि इसी के बाद बाबा ने उन सभी को भी अंडरग्राउंड होने के आदेश दिए थे। पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि जिस नंबर पर इन 20 नंबरों से कॉल किया गया था वो बाबा के ही थे। जानकारी के मुताबिक बाबा ने संभवतः अपने सहयोगियों को छिपने के ठिकाने भी बताए होंगे। ये भी सामने आया कि किन किन लोगों को किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ में नहीं आना है। अब ये जानकारी भी कितनी सही है इसका पता तो तभी चलेगा जब पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर पाएगी। सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत के मामले में साकार विश्वहरि के सेवादार पुलिस के टारगेट पर है। 6 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, वहीं बाकियों की तलाश। पुलिस SOG टीम मिलकर दबिश दे रही। 200 से ज्यादा सेवादारों के मोबाइल नंबर पुलिस की रडार पर हैं। बाबा और उनके करीबी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। इस दौरान कुल 3 नंबरों से बाबा को कॉल की बात सामने आई। इनमें तीनों उनके सेवादार ही थे, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक फोन उसके मुख्य सेवादार देव प्रकाश की पत्नी का था, जिसे माना जा रहा है कि बाबा ने देव प्रकाश से ही बात की होगी। वहीं इस मामले में हादसे की जांच में शामिल IG शलभ माथुर ने गुरुवार को पूरे मामले की जानकारी दी। उनका कहना था कि जांच का दायरा काफी बढ़ गया है और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। वहीं ये भी सामने आया कि इस केस में भोले बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल विवेचना हाथरस CO राम प्रवेश राय को सौंपी गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली हाथरस विजय कुमार को विवेचक में सहयोगी बनाया गया है। पुलिस लाइन में मीडिया के सवालों पर हादसे की जांच जारी है और संदिग्धों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी बीच SIT जांच भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।